हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सीओसी हेल्पडोस्ट में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ टाउन हॉल 12 का जो बिग अपडेट आने वाला है वो जून में आने वाला है। तो मॉडरेटर के तरफ से जो सुपर स्किल के एक कमेंट में लिखा गया है, मॉडरेटर में जो कॉमेंट किया है, यहाँ पर आप वीडियो को स्टॉप करके पढ़ भी सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि टाउन हॉल 12 का जो न्यू अपडेट है वो लोग जून में देने का जो है कोशिश करेंगे। जून के फर्स्ट हाफ में आ सकता है या फिर सेकेंड हाफ में भी आ जाएगा, या फिर थोड़ा डिले हो गया तो जून जुलाई में भी आ सकता है, या फिर अगस्त में तो आएगा ही। अगस्त में जो है क्लैश ऑफ क्लैंस का 6th एनिवर्सरी आने वाला है, तो 6th एनिवर्सरी और TH12 दोनों जो बिग अपडेट है, ये जो दोनों बिग अपडेट एक साथ आएगा तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। टाउन हॉल 12 के जो है अपडेट के साथ 6th एनिवर्सरी में अगर आ गया तो ज़्यादा मज़ा आएगा, या फिर जून में आ सकता है। इसके लिए कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि जून में आ सकता है, आपको क्या लगता है, जून में आएगा या फिर जो है 6th एनिवर्सरी के साथ एक साथ आएगा, या फिर हॉलोवीन के अपडेट के साथ भी आ सकता है। तो पहले जो विंटर में आने का जो चांसेस था टाउन हॉल 12, लेकिन अब जो है जून में आने का चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पे चारों तरफ यह फैल चुका है, यह जून में आने का चांसेस ज़्यादा है। तो लेकिन मॉडरेटर ने कहा है वो लोग जून में देने का कोशिश करेंगे, अगर नहीं हुआ तो अगस्त में भी आ जाएगा, ये तो कन्फर्म है। तो उसके बाद जो नेम चेंज का दूसरा अपडेट आने वाला था, तो नेम चेंज का आप जानते ही होंगे क्लैश ऑफ क्लैंस में 2 बार से ज़्यादा नेम चेंज नहीं किया जा सकता है। अगर 2 बार से ज़्यादा नेम चेंज करेगा तो सर्वर फेल्ड हो जाता है और कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। 2 बार से ज़्यादा आप नहीं कर सकते नेम चेंज। तो यहाँ पे मॉडरेटर ने कहा है 2 बार से ज़्यादा नेम चेंज करने की वो लोग जो है अपडेट है, इस अपडेट को करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है जो अगर बहुत ही ज़्यादा लोग एक साथ नेम चेंज करेंगे तो क्लैश ऑफ क्लैंस के जो सर्वर है उसके ऊपर भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, इसलिए जो है सर्वर को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि अगर आपके जो अकाउंट है अगर किसी तरह भी हैक हो जाता है तो उसको रिकवरी करने के लिए जो आपने फर्स्ट टाइम जो नेम चेंज किया था उनको उसका नाम जो है फिर से देना पड़ता है। तो ये जो नेम चेंज करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा सर्वर के ऊपर, जो क्लैश ऑफ क्लैंस जो है ये इतना लोड नहीं ले पाएगा। पहले जो वाटरफॉल का अपडेट आने वाला था वो अपडेट भी नहीं आया, और नाइट मोड का जो अपडेट है वो भी नहीं आया, क्योंकि इसके ऊपर जो है अपडेट पड़ेगा, इस अपडेट से जो सर्वर है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड उसके बगल में बेल आइकन को भी दबा ले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो बने रहिए हमारे साथ।